हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेलॉयट के एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में, पर्क्स के बारे में। बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि डेलॉयट में जितने भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं वो इरिस्पेक्ट ऑफ पोजिशन, इरिस्पेक्ट ऑफ डोमेन, सबके लिए सेम है। बस एक कंडीशन है कि आप फुल टाइम एम्प्लॉय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फुल टाइम एम्प्लॉय, इंटर्न नहीं होना चाहिए। जो जितने भी फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, चाहे आप एसोसिएट एनालिस्ट, एनालिस्ट ट्रेनी, बीटीए, मैनेजर, सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, कुछ भी आप हो, आपके बेनिफिट सेम होंगे, राइट? तो अब मैं डिस्कस करता हूँ। अब एक्चुअली काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं आपसे केवल वही बेनिफिट्स डिस्कस करूँगा जो जनरल हर कोई यूज़ करता है। ऐसे तो किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन जो जनरल बेनिफिट्स हैं जो आप ऑब्वियसली यूज़ करोगे ही और ज़्यादातर लोग जो करते हैं कॉमन बेनिफिट्स, वो वाले मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो इसका एम्प्लॉय बेनिफिट है वो क्या है, तो डिस्कस करना चालू करते हैं। तो सबसे पहला है मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है? तो मेडिकल इंश्योरेंस जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको 5 लाख रुपये का बेस कवर मिलने वाला है इसमें। और उसमें देखो, उसमें आप इंक्लूड तो हो गए ही, आप तो इंक्लूड हो गई, साथ में आपके कोई दो डिपेंडेंट्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है? तो आप इंक्लूड हो गए और आपके कोई दो डिपेंडेंट्स इंक्लूड होंगे इस वाले इंश्योरेंस में। ये आपका एक बेनिफिट है। उसके बाद आपका दूसरा बेनिफिट आता है। आपका दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट आपका जो है वो है आपकी पेड लीव्स, ठीक है? अब पेड लीव्स में क्या होगा आपका, आपको लगभग साल की 40 to 45 आपको लीव्स मिलेंगी जो कि पेड होती हैं। इसमें आपका SL यानी कि सिक लीव आपकी है, PL मतलब प्रिविलेज लीव भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? तो ये वाली लीव्स अगर आप लेते हो तो आपको उस दिन का पे किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई सैलरी वगैरह काटी जाएगी, आपको फुल पे किया जाएगा। तो आपकी 40 to 45 लीव्स जो होती हैं साल की, जो एक अच्छा अमाउंट है, वो आपकी पेड लीव्स होती हैं, राइट? तीसरा बेनिफिट डिस्कस करता हूँ, वो होता है आपका वन टाइम रीएम्बर्स, ठीक है? या वन टाइम रीएम्बर्स बोल दूँ, या मैं कह दूँ वन टाइम अलाउंस, कुछ भी आप चाहो वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वन टाइम वाला एक आपको इसमें मिलता है रीएम्बर्समेंट। उसमें क्या होता है, आपको 15K अमाउंट मिलता है, जिसमें आप अपना डेस्क, चेयर और काफ़ी सारी आपको लिस्ट दी जाएगी। उसमें से काफ़ी सारे आइटम होते हैं उसमें, जैसे कि पावर बैंक, ये चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है? तो एक पूरी लिस्ट दी जाएगी, इसमें 10-15 आइटम लिखे होंगे। तो आप 15K यूज़ करके उसका बिल लगा सकते हो और आपको वो जो बिल है वो पास हो जाएगा और आपको वो अमाउंट मिल जाएगा, राइट? तो ये होता है आपका वन टाइम, जिससे आपका आपका होम सेटअप हो जाएगा। अब इसके बाद आपको 15K और मिलते हैं, वो मिलते हैं हाइब्रिड में, हाइब्रिड रीएम्बर्समेंट में। तो इसमें आपको 15K और मिल जाएंगे, राइट? और इस 15K से आप क्या करते हो, आप अपने सारे लैपटॉप के एसेसरीज खरीद सकते हो, जिसमें आपके मॉनिटर्स हो गए, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, ईयरफोन्स और आपका हेडसेट, वायरलेस हेडसेट, ऐसे काफ़ी सारे कंपोनेंट जितने भी आपके लैपटॉप से रिलेटेड होते हैं, वेबकैम, वो सब आप इसमें खरीद सकते हो। तो ये 15K अमाउंट ऐसे ही आपको सेम बिल आपका पास हो जाएगा, आप जो भी चाहो उसमें खरीद सकते हो। फिर आता है आपका वेलबींग, उसका अमाउंट है 25K। ये है वेलबींग, ये भी आपको मिलता है। ये आपके मतलब हेल्थ से रिलेटेड होता है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपको ईयरफोन्स इसमें भी मिल जाएंगे, ईयरफोन्स आप ले सकते हो महंगे वाले, साइकिल, राइट, शूज़ मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसकी भी आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरा, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाएगा, जैसे कि डंबल्स हो गए, ठीक है, मतलब वेट्स हो गए आपके, तो ये सब चीज़ें जिम से रिलेटेड चीज़ें हो गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, सब आपको इसमें मिल जाएगा। ये हो गया आपका 25K। टोटल आपको कितने मिल गए, 15K, 15K, 25K, ठीक है? अभी रुको, और भी है। तो इसके बाद आपको जो मिलेगा वो है आपका 20K कम्यूट अलाउंस, ठीक है? तो आपके एक और आ गया यहाँ पे बेनिफिट, आ गया कम्यूट, इसमें आपको मिल जाएगा 20K। अब ये क्या होता है, इसमें बेसिकली आप जब अपने ऑफिस जाते हो तो जितना भी आपका ट्रैवल एक्सपेंस है वो आपको मिल जाता है, ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, या आप अपने हाउस से ऑफिस जा रहे हो तो आपका कोई खर्चा आ रहा है, जैसे कि कैब का खर्चा हो गया,
या आप किसी खुद की गाड़ी से जा रहे हो तो आपका आपका पेट्रोल का खर्चा हो गया, तो ये सब भी आपको मिल जाता है 20K एक साल के लिए। अब इन इन चीज़ों में से अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो 20K हैं ये हर साल क्रेडिट होते हैं, ये वन टाइम नहीं है। ये वाले हर साल क्रेडिट होते हैं, ये वाले 20K, और ये हाइब्रिड वाला हर साल क्रेडिट नहीं होता है। ये 25K भी आपके हर साल क्रेडिट होते हैं वेलबींग के, और ये वाला तो है ही वन टाइम। तो ये दो चीज़ें आपके हर साल क्रेडिट होंगी, ये 25K और 20K, मतलब हर साल आप इनका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए आपके पैसों वाले, इतने ही होते हैं। अब आऊँगा मैं स्मार्टफोन प्रोग्राम पे। तो स्मार्टफोन प्रोग्राम में क्या होगा, स्मार्टफोन प्रोग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे 25K। उसमें आप 25,000 रुपये, मतलब आप महंगा स्मार्टफोन भी खरीद सकते हो 25,000 से, लेकिन जो आपका रियम्बर्स होगा, मतलब डेलॉयट की तरफ से जो पे किया जाएगा, वो किया जाएगा 25K। तो डेलॉयट के पोर्टल पर ही आपको काफ़ी सारे मोबाइल मिल जाएंगे, उनमें से आप कोई भी मोबाइल चूज़ कर सकते हो और आप उसका 25K रियम्बर्स करा सकते हो बिल लगाकर। ठीक है, साथ ही साथ में आपको इंटरनेट बिल के पैसे मिल जाते हैं। तो जो इंटरनेट बिल होता है वो आपको महीने का मिलेगा, मंथली, ये आपको मंथली मिल जाता है। तो मंथली आप इसका बिल लगा सकते हो मैक्स 1,500 रुपये का। ठीक है, तो इतने सारे आपके कॉमन बेनिफिट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो शायद मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए होंगे क्योंकि मैं भूल गया होऊंगा। वरना जो जनरल बेनिफिट्स हैं जो आप यूज़ करते हो वो यही हैं, इसके बाद एक आध दो बेनिफिट्स और कोई हो सकते हैं। तो जनरल जो आपके बेनिफिट्स होने वाले हैं वो यही होने वाले हैं। ठीक है, सो आई थिंक मैंने काफ़ी सारे बेनिफिट्स कवर कर दिए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय इट, प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक।